मॉर्निंग एट क्लास, क्या हाल है आप लोगों के। हम लोग चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे इतिहास में, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी का विस्तार कैसे होता है अंग्रेजों का। मैंने आपको बंगाल की पूरी कहानी बता दी है जिसमें सिराजुद्दौला को पराजित कर देते हैं, सिराजुद्दौला को क्लासिक युद्ध में पराजित करते हैं और मीर कासिम को जो है वो बक्सर के युद्ध में पराजित करते हैं। अंग्रेज अब मीर जाफर को बनाते हैं शासक नवाब और मीर जाफर को भी आखिरकार अंत तक को हटा देते हैं क्योंकि अब उन्हें पता लग चुका होता है कि कंपनी का नवाब जो है वो हमें खुद को बनना पड़ेगा। और इसी वजह से ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आखिरकार कंपनी का नवाब वो कैसे बन गए, किस प्रकार जो है वो कंपनी की नवाबियत उन्होंने संभाली। कंपनी अब जो चाहती थी जैसा व्यवहार करती थी, लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार भी करती थी, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग इस टॉपिक में करने वाले हैं। कंपनी के अधिकारी नवाब कंपनी के अधिकारी क्या बने, नवाब बने। जब नवाबियत को हटा लिया गया है, नवाबियत को हटा लिया गया मतलब यह है कि अब अंग्रेजों ने यह सोच लिया कि हम ही बंगाल के नवाब बनेंगे, तो उस समय अंग्रेजी अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर कौन थे, कंपनी के माध्यम से जब यह भारत आए तब इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब यह 1767 ईस्वी में वापस इंग्लैंड जाते हैं तब उनके पास ₹1,40,000 पाउंड की संपत्ति होती है।
तरह के भ्रष्टाचार का मतलब होता है कि उन्होंने पैसे खाए थे, उन्होंने सारी धन संपत्ति जो है वह भारत से लूट ली और वह अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बना ली, यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार को भी ये संपत्ति नहीं दी। इस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव की नवाबियत जो है वह इन बातों पर को देखने से सामने आती है कि उन्होंने किस प्रकार से नवाबियत का जीवन जिया। इसी प्रकार कई और अधिकारी भी थे जो ये सोचकर आते थे कि हम भारत से धन संपत्ति कमाएंगे, हम भारत से धन संपत्ति लूटेंगे और साथ ही हम इन धन संपत्ति को लेकर इंग्लैंड जाकर आराम की जिंदगी जिएंगे और भोग विलासी जीवन जीना पसंद करेंगे। यही हर अधिकारी का उद्देश्य होता था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी कंपनी के अधिकारी जब वो नवाब बन गए थे, कंपनी के गवर्नर बंगाल में नवाब का जीवन जीते थे और पूर्ण रूप से भोग विलासी जीवन जीना पसंद करते हैं। ठीक है, कंपनी के गवर्नर बंगाल में नवाब का जीवन जीते थे और पूर्ण रूप से वो भोग विलासी जीवन जीना पसंद करते थे। यही उन्हें पसंद भी था और उन्हें अच्छा भी लगता था। तो इस प्रकार से जो है वो उस समय बंगाल की स्थिति ऐसी थी कि जब अंतिम बक्सर के युद्ध में जब पराजित कर दिया मीर कासिम को, उसके बाद मीर जाफर को बनाया गया, फिर उसको भी हटा दिया गया, तब उन्होंने पूर्ण रूप से अपना शासन समझ लिया। कई बदलाव बंगाल की सरकार में किए इन्होंने, किस प्रकार के बदलाव किए, उन्होंने पूर्ण रूप से शासन अपने हाथ में ले ली और कंपनी को बिल्कुल व्यापार निःशुल्क कर दिया। अब कंपनी के सारे अधिकारी निःशुल्क रूप से व्यापार करते थे और अपने कंपनी का क्षेत्र जो है वो बढ़ाते। क्लास हम लोग जो है वो पढ़ रहे थे कि कंपनी के अधिकारी किस प्रकार से नवाबियत को जीने लग गए थे, नवाब बनने लग गए थे। उनको अब ऐसा लगता था कि हम नवाब ही हैं, क्योंकि वह बंगाल में नवाबियत का जीवन जीते थे, ऐसा आराम जीते थे, भोग विलासी जीवन जीते थे। जब वो अंग्रेज यहाँ से अपनी सेवाएं पूरी करने के बाद जब इंग्लैंड जाते थे, तब भी उनके तौर तरीकों में कोई परिवर्तन नहीं आता था और वहाँ के लोग उनको नवाब ही कहते थे, नवाब नाम से पुकारते थे, तो इनको वह जो है वो रईस लगता था। इस प्रकार से जो है अंग्रेजों की नवाबियत जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन कई अंग्रेज अधिकारी को ये भी पता था कि अभी हमें पूर्ण भारत पर राज करना है, तो उन्होंने रणनीति बना ली थी कि व्यापार के माध्यम से हमें अलग अलग राज्यों में घुसना है और उसी के बाद शासन पर अपना कब्जा करना है। कंपनी के अधिकारी नवाब कैसे बने, इसके बारे में मैंने आपको बताया। 1774 ईस्वी में, एक बात मैं आपको बता दूँ, 1774 में रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर जब कंपनी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो केस चल रहा था उसमें रॉबर्ट क्लाइव जब बरी हो गए थे, लेकिन बरी होने के बाद उन्हें ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो आरोपों से निरक्त हैं, तो उन्होंने 1774 ईस्वी में आत्महत्या कर ली। 1774 में ब्रिटिश सरकार के भ्रष्टाचार केस से बरी होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करी, आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या इसलिए की थी क्योंकि शायद उन्हें जो है वो कंपनी के द्वारा लगाए गए जो केसेस थे, जो आरोप थे, उन पर उनको जो है पूर्ण रूप से गिल्टी फील हो रहा था। तो शायद हो सकता है कई कारण रहे उसके, तो 1774 में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अब आपका नया डिमांड आता है कंपनी का शासन, पहला शासन। अब कंपनी ने बंगाल पर तो अपना पूर्ण अधिकार कर लिया था, लेकिन ये भी सोच लिया था साथ ही साथ कि मैं अब जो है पूर्ण रूप से भारत पर अधिकार करने के लिए प्रयास करूँ। हम विगत 100 सालों की बात करते हैं, 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी, यही है वो 100 साल जिसमें 1757 में कंपनी का पहला युद्ध और उसमें विजय हासिल की कंपनी ने। कंपनी का पहला युद्ध था 1757 में प्लासी का युद्ध, कौन सा था, प्लासी का युद्ध, जिसमें सिराज
लेकिन इन 100 सालों में अंग्रेजों ने क्या क्या किया होगा अपने शासन को फैलाने के लिए, उन्होंने कौन कौन सी कूटनीति और राजनीति का उपयोग किया होगा, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इन 100 वर्षों में कंपनी ने सभी प्रकार के प्रयास किए, संपूर्ण भारत पर अधिकार करने के लिए। राज्य में प्रतिनिधित्व के रूप में रेजिडेंट कंपनी ने प्रत्येक राज्य में प्रतिनिधित्व के रूप में अटेंडेंट किए, जिनमें रेजिडेंट का कार्य कंपनी को राज्य के बारे में रिपोर्ट करना, क्या करना, इंटेलिजेंस का कार्य करना, कंपनी को राज्य के बारे में रिपोर्ट करना, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्येक राजा व रियासत के लिए सहायक संधि का प्रस्ताव कंपनी प्रत्येक राज्य और रियासत के लिए सहायक संधि का प्रस्ताव लेके आई, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्येक राज्य और रियासत के लिए सहायक संधि का प्रस्ताव लेके आई। इसके अंतर्गत क्या होगा सहायक संधि? इसके अंतर्गत कंपनी राजा को उसकी सुरक्षा देती व बदले में धन संपत्ति लेने का कार्य करती है। इस प्रकार से जो है ये सिकंजा धीरे धीरे कंपनी ने कसा, उन्होंने कंपनी ने प्रत्येक प्रतिनिधि के रूप में रेजिडेंस नियुक्त कर दिए,
लाभ देना होता था। कंपनी का भारत में रहना और आसान हो गया था व्यवसाय संधि के प्रस्ताव के माध्यम से। समय 100 सालों में ऐसा आया कि संपूर्ण भारत पर